हेलो एवरीवन। हाँ तो अभी हम लोग का क्लास अभी एक हॉस्पिटल में है, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। रेडियोलॉजी का क्लास है अभी, तो वहाँ का तो फिर वहाँ का भी टूर दिखाता हूँ आपको। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, बहुत ही ठंड है, -1 है, बहुत तो नहीं है, बस -1 ठंड है। तो अभी हम लोग निकलते हैं वहाँ पे, बस से जाएंगे और बस का बताता हूँ कि कैसे पे बस से कैसा कर सकते हो पे। अराउंड कहाँ, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 7 किलोमीटर है, वो डिपार्टमेंट 7 किलोमीटर दूर है और बस स्टेशन तो बगल में ही है। तो हम लोग बस से जाएंगे जो कि 80 टेंगे लगेगा 7 किलोमीटर के लिए। कितना हुआ अराउंड? 12 से 15 रुपये के आसपास वन वे। इफ़ सेम बस से आएंगे, सेम बस नंबर से हम लोग आएंगे तो फिर पेमेंट नहीं लगेगा। इफ़ दूसरे नंबर से बस से वापस आएंगे तो फिर हम लोग को 80 टेंगे मतलब 12 से 15 रुपये लगेगा। बस से ट्रेवल करना बहुत ही सस्ता है इंडिया के कंपैरिजन में, लाभदायक तो है ही, पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो अभी दिखाता हूँ बस का टूर यहाँ पे होता कैसे है। सबसे ये देखो, बगल में कोई नहीं है, फिर भी कार स्टार्ट करके चला गया है, ठंडा से गर्म कर रहा होगा अपने बस को, सॉरी अपने कार को। चलो हम लोग आ गए हैं, आपको दिखाता हूँ सामने। तो हम लोग 2 मिनट लेट हैं और बस में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये यहाँ पे कुछ खा सकते हैं हॉस्पिटल के बाहर, कॉफ़ी, पोटैटो बन, और ये है पेडेस्ट्रियन के लिए एंट्री। और ये रहा हमारा शानदार सा हॉस्पिटल। इधर है सालो, क्या कर रहा है वहाँ? कुछ भी नहीं। तो ये लोग अब पोटैटो बन ले रहा है, जबकि पता है कि इसको 8 बजे तक में एंट्री ले लेना चाहिए था। अरे तो क्या हो गया? तो बताओ आज का बस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज का बस का एक्सपीरियंस कुछ एहसास ऐसा जो कि एहसास इंडिया में होता है नॉर्मली। हाँ, बस बहुत ज़्यादा फुल था। ये ऑफिस आवर में जैसे मेट्रो में फुल रहता है ना, ब्लू लाइन, एग्जैक्ट सेम वैसा। ये रहा हमारा बिल्डिंग, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। अभी हम लोग एंट्री लेंगे। ये रहा हमारा रॉयल एंट्री, यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम। ये रिसेप्शन और ये वेटिंग एरिया। अबे आजा। और ये हम चले, वो रहा इम्यूनोलॉजी बिल्डिंग, वहाँ अभी चल के दिखाऊंगा वहाँ क्लास के बाद। तो ये रहा हमारा 3rd फ्लोर, शानदार सा, जबरदस्त सा। ये गौरी मैम जा रही थी। ऐसा कैसा है यहाँ, इतना भीड़ क्यों है आज? हमारा क्लास तो 8 बजे है। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। जाते हुए दिख नहीं रहा इतना रश, डॉक्टर्स। ओ सॉरी, हमारा डिपार्टमेंट इधर है, उधर क्लास, उधर सर्जरी डिपार्टमेंट है। ये रहा हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। ये रही मामा, इधर दादा वकीला बोल रही है चप्पल पहन के अंदर जाओ नहीं तो गंदा हो जाएगा। सही है, ऐसा है हमारा रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, शानदार सा, जबरदस्त सा। कर्टेन लगा हुआ है। इधर है हमारा सर्जरी डिपार्टमेंट। अभी इधर ही आए थे ना बल्कि,
क्या दिखा रहा है भाई? ओह नाइस नाइस, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल एंड सर्जरी। ओके ओके, ये देखो हमारा हॉस्पिटल। एक टॉपिक है जिसके बारे में अपन लोग को बात करना है, वो है एनएमसी रूल्स गाइडलाइंस क्या है, जिसके कारण से जो पहले आप देख ले उसके बारे में डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि एनएमसी का रूल्स क्या है, 6 ईयर 5 ईयर कोर्स कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है, कौन कैसे कॉलेज चूज करें, और इंटर्नशिप कहाँ से करें, लाइसेंसिंग क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, वो भी जल्दी ही आ जाएगा। तो हाँ, तो हमारे बैचमेट भी आ गए हैं, अब क्लासेस शुरू होगा। Here's the body of C1. Here's the dense of C2. Here's the spinous processes. Here also spinous. Okay. एक हॉस्पिटल बिल्डिंग यहाँ पे है जो कि टॉप फ्लोर पे क्लासेस होता है और नीचे में पेशेंट देखा जाता है। एक बिल्डिंग यहाँ है और एक ये रेडियोलॉजी की बिल्डिंग है, और रेडियोलॉजी की बिल्डिंग के पीछे एक और बिल्डिंग है। ये कौन सा बिल्डिंग है? पेडिया। ये वाली पेडिया बिल्डिंग है, और वो सामने वाली, वो जो सामने बिल्डिंग है वो कौन सी बिल्डिंग है? इम्यूनोलॉजी की बिल्डिंग है। वो बिल्डिंग माइक्रोबायोलॉजी की है, और आपको पास से दिखाता हूँ कौन सा बिल्डिंग कहाँ पे है। बहुत तेज हवा चल रही है, और वहाँ दो बिल्डिंग है, ये रेडियोलॉजी बिल्डिंग, इसके पीछे एक बिल्डिंग, उसके पीछे एक और बिल्डिंग। और अभी तक तो हमारी क्लास उसमें नहीं लगी, मेनली अभी रेडियोलॉजी का हुआ है क्लासेस, और आज रेडियोलॉजी में एक कमेटी का क्लास ख़त्म हो गया। यहाँ दो प्रकार का एग्ज़ाम होता है, एक फॉर्मेटिव होता है, एक समेटिव एग्ज़ाम होता है। फॉर्मेटिव जैसे एक कमेटी ख़त्म हो गया मस्कुलोस्केलेटल का, एक या तो फिर कार्डियो रेस्पिरेटरी का, तो कार्डियो जैसे आज मस्कुलोस्केलेटल का एग्ज़ाम खत्म, सॉरी क्लासेस ख़त्म हुआ, तो इन्फॉर्मेटिव हुआ। फॉर्मेटिव में दो मार्क्स जुड़ता है, एक क्लासेस का एवरेज, और उसके बाद आज का परफॉर्मेंस जो ये पूरा टॉपिक पढ़ाया उससे। इसके बाद ये क्लास में होता है, उसके बाद फिर एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसको हम लोग, और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई नहीं होता है। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी चल रहा है तो माइक्रोबायोलॉजी चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक माइक्रोबायोलॉजी चल देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कमेटी बैठता है कि एक कमेटी पढ़ाया तो साथ में, जैसे अभी हम लोग का इंटरनल मेडिसिन चल रहा है, रेडियोलॉजी चल रहा है, तो इंटरनल मेडिसिन में भी अर्थराइटिस के बारे में पढ़ा रहा है, और रेडियोलॉजी में अर्थराइटिस के बारे में पढ़ा रहा है। तो मेरा इस मामले में कहना है कि ये बेस्ट है कि इस तरह का एजुकेशन टॉपिक वाइज, हाँ टॉपिक वाइज होता है तो अच्छे से हम लोग ग्रेस्प कर सकते हैं। तो इसलिए, और जैसे कि हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स होता है, जैसे कि कुछ अलग चल रहा है, माइक्रोबायोलॉजी में अलग चल रहा है और रेडियोलॉजी अलग चल रहा है सब्जेक्ट वाइज, तो उसमें हम लोग लिंक नहीं कर पाते। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे इंटरनल मेडिसिन चल रहा है और रेडियोलॉजी चल रहा है, दोनों में अर्थराइटिस है, तो दोनों में मेडिसिन का भी अर्थराइटिस पढ़ा रहा है कि मॉर्निंग में किस टाइप का अर्थराइटिस होता है और आफ्टरनून में किस टाइप का होता है, और रेडियोलॉजी में हम लोग कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं प्रेजेंट का। ये बेस्ट है। यहाँ का घर देखो कितना सुंदर है। लास्टली हमारी पलटन घर जा रही है, और अचानक से ठंड पड़ गया है, और बाहर थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है। तो आपसे जल्द ही मिलता हूँ नए वीडियो में, जो कि हमारा टॉपिक होगा NMC रूल्स रेगुलेशन और हाउ टू चूज ए कॉलेज।
हम लोग अब घर पहुंचने वाले हैं। बाय, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।